हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा दसवीं का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक 2022-23 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही आपको पूरे आंसर सहित समझाया जाएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कक्षा दसवीं का जो क्वेश्चन बैंक है जो इंग्लिश का, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि आपके सर मैम भी कहते हैं कि बेटा क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं और ये MP बोर्ड द्वारा पारित किए जाते हैं, यानी कि दिए जाते हैं कि बच्चे इनके अनुसार पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो आपका ब्लूप्रिंट रहता है कि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपके प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पत्र बनते हैं, वो उसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन बैंक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग थोड़ी खुशखबरी दे दूँ, बहुत से बच्चे हमसे जुड़ चुके थे, यानी कि बहुत से बच्चों ने कक्षा दस की बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक, चलिए सर्वप्रथम आप लोग सामने आएगा सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों को रीडिंग करनी पड़ती है, यानी इसको हम बोला सकते हैं जैसा कि ये लिखा है, रीडिंग द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम, यानी इसका अर्थ ये होता है जो आपके सामने पेसेज दी गई है इस पेसेज को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, यानी कि रीड वन होता है पढ़ना, तो इस पेसेज को आप लोग पढ़िए, फिर उसके जस्ट नीचे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। ठीक, जैसा कि आप लोग सामने पहला लगा है रेड क्रॉस सोसाइटी इन ए, तो मतलब किसका होता है रेड क्रॉस सोसाइटी इन ए, तो सब पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग इस पढ़ के इसमें ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर लगा रेड क्रॉस सोसाइटी इज इन ए, तो देखो यहीं से मिल गया रेड क्रॉस, यानी कि जहाँ पर यू हैव हैड द नेम ऑफ रेड क्रॉस द रेड क्रॉस सोसाइटी इन ए लगा दोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन से होगा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सॉरी ए एक्स ऑप्शन है सी वाला, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल पूछा गया तो इंटरनेशनल पूछा जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। देखो मिल गया ना, यहाँ पे मिल गया हमको ये आंसर, ए लगा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका सी ऑप्शन में लगा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस प्रकार से आप लोगों को ढूंढना पड़ता है, तो आपका ये एक नंबर बन जाएगा इसका। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को सही पे सही करना पड़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ढूंढने पड़ते हैं वो बच्चों। जैसे दूसरा लगा है यहाँ पर हु प्रोड्यूस द रेड क्रॉस सोसाइटी, तो यहाँ पर लगा रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे कि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर लगा है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे लगा द रेड क्रॉस सोसाइटी इज इंटरनेशनल, फिर हम बात करते हैं इसकी आगे की, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक मिनट बच्चों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो बच्चों, फिर इसकी आगे जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो ए लगा सर हेनरी टोंटन। ठीक, सर हेनरी। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ए मिल गया, यहाँ पर इसमें है सी ऑप्शन सही होगा सर हेनरी डोनट। ठीक, डंट, इस प्रकार से आप लोग सामने सी ऑप्शन सही हो जाए। फिर यहाँ पर लगा बैंडेड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, मतलब कि रेड क्रॉस फाउंड मतलब कौन से सन में, तो यहाँ पर हम दूसरे सन, तो यहाँ पर कौन से सन है, तो यहीं पर मिल गया है इन 1920 लगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही 1920। इसी प्रकार से हम लोग को ढूंढना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट ढूंढ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। ठीक, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर, तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने पेसेज आप लोग कर लोगे। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग जो समझ हो चुकी, क्योंकि आप लोग इसी प्रकार से पेसेज करना है, ढूंढ ढूंढ के लिखना है। ठीक, क्योंकि ये उस पर रटने की कोई बात नहीं है कि आप हमें ये नहीं कह सकते कि आप ए रट लो ए रखा मिलेगा, क्योंकि उनने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट दे दिया, जैसे कि दूसरी पेसेज ए है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग ओनली समझना है। ठीक, तो तीसरी पेसेज ये दी गई है, तो इन तीसरी पेसेजों को मतलब इनका अर्थ ये होता है कि इन पेसेजों को पढ़ पढ़ के आप लोग मतलब कि इनको आप लोग पढ़ पढ़ के ढूंढ ढूंढ के इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ऐसा आ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो इनको पढ़ पढ़ के, तो चार पेसेज, पाँचवीं पेसेज, ठीक, छठवीं पेसेज, मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कभी इनको मतलब वो प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीन शॉट लेके कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सातवीं पेसेज दी गई है और यहाँ पे आठवीं पेसेज दी गई है, साथ ही नौवीं पेसेज दी गई है, नौवीं, और यहाँ पर दसवीं पेसेज दी गई है और ग्यारहवीं पेसेज दी गई है, यहाँ पर बारहवीं, तो इस प्रकार से उन्होंने बारह तेरह पेसेज रख दिया, यानी बारह पेसेज रख दिए, तो बारह पेसेज में आपको एक नए कप रखी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को एक अच्छी तरह से समझ लेनी है, बाकी आप लोग हो जाएंगे।
अगर आप लोग चाहते हो तो इसके ऊपर फुल ट्रेलर वीडियो बनाऊँ तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो लाऊँ मैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं जरूर एक वीडियो लाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि आप लोग अनसीन फेसेस किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक बच्चों, चले अभी आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि निबंध किस पे आना है, एप्लीकेशन भी आपकी परीक्षा में कौन पैसा पे आनी है, तो आप लोग वो डू एच डैग बताए हैं वो भी आंसर सहित, ठीक, ताकि आप लोग बहुत से बच्चे डू एच डैग नहीं बनते, बच्चों पर ए अंधा के प्रयोग नहीं बनते हैं, तो वो मैंने आप लोग पूरा ड्रिल में इसमें अच्छी तरह से समझाया है ताकि आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। फिर आते हैं आप लोग सामने यहाँ पर नोट मेकिंग, ठीक है, आती है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैसा कि ये लिखा है रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन देम, आल्सो गिव ए सबटाइटल एंड सुटेबल टाइटल टू देम। मतलब कि इस पेसेज को आप लोग पढ़ना है, ठीक, जैसे एक पेसेज ये दी है, इस पेसेज को पढ़ के इसमें आप लोगों को टाइटल लिखना है। प्रथम क्या लोगे, टाइटल, ठीक, इस प्रकार से टाइटल लिखना है कि मतलब कि ये पेसेज किसके ऊपर दी गई है। फिर इसके बाद लिखने पड़ते हैं आपको नोट्स, ठीक, नोट्स। फिर इसके बाद लिख दोगे आप लोग समरी, ठीक, इस प्रकार से। तो मैं आप लोगों की जानकारी बता दूं, इसमें भी सेम टू सेम यही करना पड़ता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझना पड़ता है। जैसे कि आप लोग इसको पढ़ोगे, जैसे लिखा मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड अमंग द लेटर इज एंगर, द नेचर ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच डेट एवरीथिंग गिव्स ए ऑप्शन। मतलब इसको पढ़ने में क्या आ रहा है तुम्हारी समझ में, इसमें ये पढ़ने में समझ में ये आ रहा है कि मतलब ये ह्यूमन मतलब कि अपने ऊपर दिया गया है, मतलब कि ह्यूमन मीन्स क्या होगा, आदमी यानी बॉडी, ठीक, बॉडी मीन्स शरीर। तो अपने के गुड कि हम किस प्रकार से अच्छे रहें, किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम गलत कामों से बच सकते हैं, तो वो सब दिया है। तो इसका टाइटल ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी, ठीक, ह्यूमन बॉडी, इस प्रकार से आपको इसका टाइटल हो जाएगा। मतलब और भी इसमें टाइटल छुप सकते हैं, मेरे हिसाब से ये वाला है, ठीक, लेकिन इसी प्रकार से आप लोग टाइटल हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग नोट्स की, तो नोट्स के हेडिंग डालोगे, नोट्स का अर्थ होता है मुख्य मुख्य, जैसे मुख्य मुख्य, जैसे मैंने उसमें आपको आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी क्वालिटीज, ठीक, तो आप लोग एक नोट्स में डालोगे क्वालिटीज, ठीक, एक पॉइंट एक लिख के क्वालिटीज लिख दोगे। दूसरे में आपको आ जाएगी क्या, जैसे गुड दूसरा लिख दोगे आप लोग यहाँ से, जैसे लिखा है एक्सटेंड द एंगर, तो दूसरा आप लोग एक पॉइंट दो डाल के ये भी लिख दोगे, तो उसी में से ढूंढ के इसमें लिखना पड़ता है। हम बात करते हैं समरी की, तो समरी का अर्थ होता है सारांश, तो आप लोग को सारांश एक पैराग्राफ छोड़ के एक पैराग्राफ लिख दे, जैसे यहाँ से लिखा आपने यहाँ तक, फिर एक पैराग्राफ से लिख छोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इस प्रकार से पैराग्राफ पैराग्राफ छोड़ के लिख सक दो, क्योंकि इससे आप लोग अच्छी तरह से पास हो जाओगे। आप लोगों का ये चार नंबर में भी आती है तो आपको डेफिनेटली तीन नंबर डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, ठीक, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से पेसेज दो दी गई है, ठीक, पेसेज तीन दी गई, मतलब ये सब आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी गई है ताकि बच्चे अच्छी तरह से इनको पढ़ सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने काफ़ी ज़्यादा दी गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने वो अनसीन पेसेज होती है, नोट मेकिंग पूरी कंप्लीट होती है। हम पढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। अगर सेक्शन बी की बात करते हैं हम, सेक्शन बी ए वाला, तो इसमें सेक्शन बी में आप अधिकांश लेटर और एप्लीकेशन रहते हैं, ठीक। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को सर्वप्रथम एप्लीकेशन सीखने का है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SLC बोलते हैं इसको, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या CC यानी कि चैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें से आप लोग एक तीनों में से आप लोग एक सीख लीजिए और तीनों बन जाएंगे, ठीक। तो ये आप लोग अगर नहीं सीखी हैं आप लोगों ने तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के ड्रिल से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी आपकी बुक बैंक, ठीक, बुक बैंक पर। तीसरी आपकी ये वाली कि जिसमें ब्राइट एप्लीकेशन फुल फीस के ऊपर है, तो ये फुल फीस वाली थोड़ा कम ही आती है, लेकिन ये 3 डेज वाली ज़्यादा आती है, यानी 3 दिन छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को वो लिखिए, क्या मतलब कि अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखिए। तो ये तीन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं, वो आप लोग बनती होंगी, जिन लोगों पर नहीं बनती है हम डिटेल से इनके ऊपर एक वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग अच्छे से प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट। फिर आया था आप लोग सामने लेटर, तो लेटर काफ़ी ज़्यादा मैरिज के ऊपर पूछा जाता है, जैसे आपकी आपकी बहन की शादी हो रही है, वो आप अपने भाई मतलब अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसे आप लोग एक लेटर लिखिए। तो इस लेटर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट रहता है यही वाला, तो इनवाइट वाला ज़्यादातर रहता है, कभी दोस्त को बुलाइए तो कभी रिलेशन को बुलाइए या कभी टीचर्स को बुलाइए, तो इनवाइट वाला रहता है। तो इस इनवाइट के ऊपर मैं बता दूंगा, एक बता दूंगा, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बनाओगे दोगे, ठीक, ये हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके बाद, ये रहते हैं 75 वर्ड्स, यानी कि 75 शब्द लिखना पड़ते हैं। जैसे आप लोग सामने यहाँ पर एक ऐसा एक दे देंगे, क्या भी दे देंगे, पिक्चर्स दे देंगे, ठीक, ये पिक्चर है, एक किसके ऊपर है, COVID-19 के ऊपर है। तो इस पिक्चर को देख के आप लोग COVID-19 के ऊपर लिखने हैं 75 शब्द,
कि हम कोविड 19 से किस प्रकार से बच सकते हैं, मतलब कि सेफ ऑन कोविड 19, मतलब ये फिर कोविड 19 के नियम मतलब पालन करेंगे, तो ये थोड़े इंग्लिश में लिखना पड़ते हैं। तो इसके बाद डिटेल बनाऊँगा, ये है आपका हेल्थी, मतलब कि इसको हम बोल देंगे हेल्थ किस प्रकार से रहें हम, मतलब हेल्थी किस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। जैसे रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर आप लोग सामने एक पिक्चर दी जाती है ट्री के ऊपर, ट्री माने पेड़, तो पेड़ पेड़ के ऊपर किस प्रकार से आप लोग पेड़ों को सेव कर सकते हो वो सब लिखना है। तो इन सब के ऊपर डिटेल से वीडियो आती रहेगी, ओनली इसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताए गए हैं कि आप लोगों के पेपर में क्या क्या आता है। फिर एक आप लोग इस पिक्चर को देख के एक पैराग्राफ लिख सकते हो 75 वर्ड का, तो ये भी की कहानी टाइप बना दोगे, ठीक। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर ब्राइटिव पैराग्राफ इन या आर्टिकल्स। तो इनमें जो आप लोग सामने हेडिंग दिए हैं, जैसे पहले दिया है इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री, तीसरा है कोविड 19, चौथा है ऑनलाइन एजुकेशन, पाँचवा है जंक फूड, छठवा है मेन ओम एंड मोबाइल्स, सातवा है हेल्थ इज वेल्थ। तो इन सभी के ऊपर आप लोगों को एक प्यारा पैराग्राफ लिखना है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आप लोग घबराने की बात नहीं है, इसको हम अच्छी तरह डिटेल में फुल वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आएगा आप लोग सामने सेक्शन सी, यानी जिसको बोले हम लोग ग्रामर, ठीक। सेक्शन सी में आप लोग सामने ग्रामर रहते हैं, इसमें हम बताएंगे आप लोग किस प्रकार से इसमें भरोगे, क्या करना है, तो वो संपूर्ण जानकारी आप लोग अभी आंसर सहित बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला लिखा है यहाँ पर, जैसे कि हम पढ़ के दिखाते हैं, पहला लिखा है ही नाउ द बॉडी इज ब्राइंग ए ब्लू सेट, तो इसमें आपका हु हो जाएगा, इसमें भर देना आपको हु, ठीक। दूसरा लिखा है हिज ब्रोदर इज आर जे इन ए लोकल रेडियो चैनल, तो इसमें हो जाएगा आपका एन, ठीक। तीसरा लिखा है देयर इज नॉट बेटर इन द पूल, तो इसमें हो जाएगा आपका, तीसरी की बात है देयर इज नॉट, तो तीसरी का हो जाएगा एन ई, ठीक, सॉरी तीसरी में आपका हो जाएगा एन, यहाँ पर लिखा है एन, ठीक। दूसरा हुआ तीसरा का हो जाएगा एन ई, ठीक, तीसरी का हो जाएगा बेटा एन ई। चौथा लिखा है ही हैज मैनी प्लेस, तो चौथी का हो जाएगा आप लोग जाना है ब्राइटन, ठीक, ए वाला हो जाएगा, ठीक, ब्राइटन, ठीक। पाँचवें की बात करते हैं, तो पाँचवें लिखना आपको माय मे, ठीक। अब मैं ओनली आपको आंसर आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग इनको वीडियो को रुक के पढ़ लेना, वो आप लोग समझ लेना, ठीक। तो छठवें की बात करते हैं, तो छठवें भर देना आपको आउट, ठीक, ए वाला हो जाएगा, ठीक, ए वाला। सातवें की बात करते हैं, तो सातवें भर देना आपको क्लाउड, ए वाला, ठीक। आठवें बात करते हैं, तो आठवें आपका यानी आ जाएगा, नौवें में हो जाएगा मैनी, और दसवें में हो जाएगा मच। तो इस प्रकार से 10 तक मैंने बता दिए हैं, आप लोग चाहो तो वीडियो को रुक कर लिख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम ए वाली, तो यहाँ पर भरते हैं हम लोग, जैसे 11वीं की बात करते हैं, 11वीं भरना आपको मूवीज, 12वीं भरना आपको कम्स, और 13वीं भरना आपको द, 14वीं भरना आपको द, 15वीं भरना आपको एन, 16वीं भरना आपको साइंस सेंस, और 17वीं भरना आपको फोर, 18वीं भरना आपको ऑन, 19वें भरना आपको इन, 20वें भरना ऑफ, ठीक। और 21 की बात करते हैं, 21 में हो जाएगा आपका, 21 में हो जाएगा ऑफ, 22 में हो जाएगा बिकॉज, 23 में भरना आपको एफ, और 24 में भरना आपको टू, 25 में भरना आप लोगों को बी फोर, ठीक, 25 में आ जाएगा बी फोर, 26 में आ जाएगा देन, और 27 में आ जाएगा आपका ए अराइव्ड, ठीक, ए अराइव्ड, ठीक। और 28 में हो जाएगा आपका यूनिट, और 29 में हो जाएगा आपका वर्ल्ड, यानी कि ई वाला वर्ल्ड हो जाएगा, और 30 में भी आपका ए हो जाएगा वर्ल्ड, और 31 में हो जाएगा आप लोगों के सामने बी कम, 32 में हो जाएगा आपका रेटिंग, ए वाला रेटिंग, और 33 में हो जाएगा आपका टाल टाइम टालकिंग, ठीक, टालकेट, यहाँ पर हो जाएगा टालकिंग का क्रिया भरेगा, ठीक, टालकिंग। और 33 की बात करते, 33 में हो जाएगा आपका 33 में टाल गेम हो जाएगा, 34 में आपका सोल्ड हो जाएगा ए वाला, ठीक, 34 तक आप लोग इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो 35 की बात करते हैं, तो 35 में आप लोग सामने हो जाएगा यहाँ पर 35 भरना आपको सूट, क्या बोलोगे, ए वाला 35 में, और 36 में हो जाएगा आप लोग सामने और, ठीक, 37 में हो जाएगा आप लोग सामने एन, और 38 में हो जाएगा आप लोग सामने ए लिटिल, और 29 में हो जाएगा आप लोग सामने अप, यानी यूपी अप हो जाएगा, 40 में हो जाएगा आप लोगों के सामने सुल्ड, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, इस प्रकार से आप लोग चाहो तो वीडियो को पढ़ सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की आगे, फिर इसके आगे लेके से यहाँ पर दिया गया है ए, इनको हम भर लेंगे, तो इसमें हम क्या भरेंगे, तो इसको भी हम भर लेते हैं। तो जब पहले की बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका सम, पहले भरना आपको सम, दूसरे भरना आपको एनी, तीसरे भरने आपको मैनी, चौथे में भर देना आपको मच, पाँचवें भरने आपको सम। तो
इस प्रकार से आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर भी इनको पढ़ सकते हो, होगा इस वीडियो का लो एक बार नहीं हज़ार बार भी देख सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर मॉडल्स, फिर मॉडल्स के बाद रहेंगे यहाँ पर बर्फ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मॉडल्स बर्फ दिए गए हैं जो हम अभी करने वाले हैं। मॉडल्स की बात करते हैं तो पहले में बनना आप लोगों को मे, क्या बनोगे मे, दूसरे में आप लोग आउट्स ये वाला भर दोगे, ठीक, तीसरे में आप लोग क्लोड, चौथे में आप लोग बुलेट ये वाला, ठीक, पाँचवें में बनना आप लोगों को, पाँचवें भी हो जाएगा बुलेट ये वाला, ठीक, छठवीं की बात करें छठवीं हो जाएगा सुल्ड, और सैंतीस सातवें हो जाएगा आपका मे, आठवें हो जाएगा कैन, नौवें में हो जाएगा इसमें आठवें कैन, और नौवें हो जाएगा आपका मस्ट ये वाला, ठीक। बर्फ़ की बात करते हैं तो पहले में आ जाएगा ब्रिटेन, और दूसरे में आ जाएगा आपका मूवीज, और तीसरे में आ जाएगा कम्स, वो है पच्चीस में आ जाएगा तीस आओगे चौथे, चौथे में हो जाएगा अराइव्ड, पाँचवें में हो जाएगा आपका बी कम, बी कम ए वाला आएगा बी कम, ठीक। और छठवीं की बात करते हैं तो छठवीं आ जाएगा रिटेटेड, ठीक, ए वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने मॉडल्स बता दिए, बर्फ भी बता दिए हैं किसमें क्या बनेगा, तो इस प्रकार से आपको आंसर सेट बता दिए हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से विश्वास भी हो रहा है सर अच्छे से समझा दें, आंसर भी बता दें, तो आप लोग कोई भी दिक्कत, साथ ही आप लोग बता दें कि आप लोगों को लास्ट में खुशखबरी भी दूंगा कि आप लोग ये पीडीएफ पूरा पीडीएफ आंसर सहित कैसे मिलेगा, तो वो आप लोग लास्ट तक ही देखना तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक। जिन लोगों को भागना है भाग सकते हैं, जिनको चाहिए पीडीएफ उन लिए पीडीएफ मास्क से आधे घंटे का होगा, 30-35 मिनट का होगा, 30-35 मिनट के वीडियो में आप लोग डेफिनेटली अच्छे अगर समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, इसको रट लेते हो पूरी पेशन बैंक को, तो आप कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने फिर आते हैं डू एज डैक्ट, ठीक। तो डू एज डैक्ट जो आप लोगों के सामने इस प्रकार से जी काफ़ी था मोस्ट है, आप लोग चाहो तो आप लोग इनकी स्क्रीन शॉट ले सकते हो, चाहो तो इनको करवा सकते हैं हम, तो इनको मैं अलग से करवा पाऊँगा, क्योंकि डू एज डैक्ट को ओनली समझ के पढ़ना पड़ता है, रट के नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि मैं इसमें रट के बताऊँगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी, और डू एज डैक्ट को मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से करना है, ठीक। तो फिलहाल में आप लोग डू एज डैक्ट को छोड़ दीजिए, ठीक, फिर जे भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं उन्हें सभी को हम अच्छी तरह से करेंगे, ठीक। फिर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट बुक, ठीक, जो आपकी टेस्ट बुक होती है, इस बुक से आपके यहाँ पर एमसीक्यू आते हैं, इन जिनको हम बोलेंगे सही विकल्प, ठीक, यानी कि बस्ट होने प्रश्न जिनको हम सही विकल्प देते हैं। तो टेक्स्ट बुक से जितने ही पार्ट दिए गए हैं, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक पार्ट दिए गए हैं, प्रत्येक पार्ट से यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बस्ट होने प्रश्न लिए गए हैं, यानी कि एमसीक्यू लिए गए हैं, वो इनके आंसर सहित हम आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए, वो आप लोग अच्छी तरह से इनको पढ़िए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को आंसर सहित बताने वाला हूँ और आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला लिखा हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचू, तो लेंचू का हो जाएगा आप लोगों को पहले का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि द पोस्ट मास्टर, ठीक। और मैं ऐसे यहाँ पर आंसर बताऊँगा, जैसे दूसरे का हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक, इस प्रकार से बताऊंगा ताकि फिर आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, मैं आंसर से बता दे जाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो भी बड़ा बनेगा, वो आप लोग समझ में नहीं आएगा। तीसरा होगा, तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, चौथे का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने डी, पाँचवें का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ए, छठवें का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी, इस छठवें का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अब इस प्रकार से आप लोग उनको देख लीजिए, तो मैंने आंसर बता दिए, फिर आप लोग उनको पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए फिर मैं यहाँ पर सातवीं की बात करते हैं, तो यहाँ पर सातवीं की बात करते हैं, तो सातवीं का हो जाएगा बी ऑप्शन, सातवीं का हो जाएगा बी ऑप्शन, आठवीं का हो जाएगा डी ऑप्शन, नौवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन, दसवीं का हो जाएगा बी ऑप्शन, और ग्यारहवीं का हो जाएगा सी ऑप्शन, और बारहवीं का हो जाएगा आप लोगों के सामने ए ऑप्शन, तेरहवीं का हो जाएगा आप लोगों के सामने बी ऑप्शन, तेरहवीं का बी ऑप्शन, और चौदहवीं का हो जाएगा दो। यहाँ पर आपके ये एक मतलब कि एक पार्ट की आपके ये कंप्लीट हो गई है, फिर दूसरा पार्ट आ जाता है आप लोगों के सामने डस्ट ऑफ ए सो, ठीक, इस वाला, ठीक। तो इसके हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसके कंप्लीट करेंगे तो चौदहवीं की बात करते हैं, तो चौदहवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन, और पंद्रहवीं का हो जाएगा बी ऑप्शन, और सोलहवीं का हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्रहवीं का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए इनको आप लोग रोक पढ़ सकते हो, वीडियो को बैक करके भी पढ़ सकते हो। अठारहवीं की बात करते हैं तो अठारहवीं का हो जाएगा आप लोगों के सामने ए ऑप्शन, उन्नीसवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन, बीसवीं का हो जाएगा बी ऑप्शन, और इक्कीसवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन, और बाईसवीं का हो जाएगा डी ऑप्शन, और तेईसवीं का हो जाएगा आप लोगों के सामने ई ऑप्शन, ठीक, ई ऑप्शन। इस प्रकार से आप लोग के सामने तेईस का हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट वाला पार्ट,
फिर 24 की बात करते हैं तो 24 का हो जाएगा आप लोग सामने बी ऑप्शन, 24 का हो जाएगा बी, 25 का हो जाएगा बी, 26 का हो जाएगा डी, 27 का हो जाएगा ए, 28 का हो जाएगा बी, ठीक इस प्रकार से। चलिए फिर हम बात करते हैं 29 की, तो 29 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 30 का हो जाएगा आप लोग सामने सी ऑप्शन, 31 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 32 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 33 का हो जाएगा आप लोग सामने सी ऑप्शन, 34 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 35 का हो जाएगा आप लोग सामने बी ऑप्शन, 36 का हो जाएगा आप लोग सामने सी ऑप्शन, ठीक। चलिए फिर इसके आगे भी देख लेते हैं हम लोग, 37 की बात करते हैं, 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 38 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 39 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 40 का हो जाएगा आप लोग सामने ए ऑप्शन, और 40 की बात करते हैं 41 की, ठीक, तो 41 का हो जाएगा ई ऑप्शन, 41 का ई ऑप्शन, और 42 का हो जाएगा ई ऑप्शन, 43 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 44 का हो जाएगा आप लोग सामने सी ऑप्शन, और 45 का हो जाएगा आप लोग सामने 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 46 का हो जाएगा आप लोग सामने डी ऑप्शन, 46 का डी, वो 47 का हो जाएगा ए, वो 48 का हो जाएगा सी, ठीक, 48 का सी, और 49 का हो जाएगा सी, 50 का हो जाएगा डी, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने कंप्लीट करा दिए, यानी 50 तक कंप्लीट करा दिए, साथ ही फिर इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, यहाँ पर इनके तुम्हारे जी हो जाएंगे पूरे 223 हैं जी, 50 तक करा दिए मैंने, फिर 51, 53, 54, 55 ये आपके हो जाएंगे 223 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक पार्ट से लिए गए हैं, जिसमें 223 MCQ हैं आपके, 223 MCQ अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप बात करते हैं कि सर आपने बताया नहीं हुआ मैं कैसे पढ़ लूँगा, तो बच्चों 223 तक मैं ऐसे बताऊँगा आप लोगों इस प्रकार से, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ आपको ये उत्तर सहित आप लोगों को दे दिया जाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पूरे दिए गए हैं MCQ, ठीक। चलिए मैं आप लोग कन्फ्यूज नहीं हूँ ना, मैं आपको पूरा उत्तर सहित देने वाला हूँ वीडियो भी, ठीक, 201, 200 मतलब ये दो यहाँ तक आपके 218 तक हो गया MCQ, ठीक। फिर जैसे देखो अब देखो यहाँ तक जी हो गया आपके 223 तक हो गया ना, 223 है लास्ट MCQ। अब इसके आंसर जी रहे दो, यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 132 तक हो जाएंगे, ठीक, जैसे 132 का सी हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी हो जाएंगे 223 तक, यहाँ तक आपके हो जाएंगे कम्प्लीट, यहाँ तक कम्प्लीट हो जाएंगे। अब आप लोगों को आंसर तो मिल गया, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन तो मिले, प्रश्न तो मिले नहीं है, तो ये प्रश्न आप लोग PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, वो वहाँ पर PDF मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को अभी जाते हैं, फिर आने के बाद इस वीडियो को पूरा देना, क्योंकि इसके आगे भी मैंने बताया है, फिर आप लोग सामने आते हैं ये एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोज, तो इससे आप लोगों के सामने इसका अर्थ ही होता है कि जी क्वेश्चन जो दिए गए हैं एक्सट्रैक्ट इनको पढ़ना है, उनके क्वेश्चन जो दिए गए हैं जस्ट अनसीन प्रोसीजर से ही करने पड़ते हैं, ठीक। चलिए ये हो जाते हैं, इसके बाद मैं आप बात करता हूँ आप लोग सामने, काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन आप लोग इन्हीं में से एक कर लेना, ये PDF पूरा दे दूंगा, तो आप लोग कन्फ्यूज में नहीं रहेगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे आप लोग देते हैं शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट यानी कि 30 बार में, तो ये आपके ए लेट टू गॉड से क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट हैं, फिर दूसरे पार्ट से, तो बाई पार्ट दिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है, तो इन सब का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं जो आप लोग देख सकते हो कितने सारे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को लास्ट होता है ये पूरे पार्ट के दिए गए हैं लॉन्ग और शॉर्ट आंसर, तो इस प्रकार से आपके सामने PDF पूरा कम्प्लीट होता है, वो अब इस PDF का लिंक आप वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की दी गई है, वहाँ पर जाइए ज्वाइन होइए, फिर आप लोग हमारे जो ज्वाइन होने के बाद आपको मेरा नंबर दिखेगा, मतलब कि मेरा नाम दिखेगा, वहाँ पे आप लोगों को टैप करना है और वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, यानी ग्रुप एडमिन को मैसेज कीजिए, तो मैं आपको PDF आपके पर्सनल नंबर पर सेंड कर दूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बैंक में, जैसे संस्कृत का, विज्ञान का, सामाजिक का, अगर आप लोगों ने हिंदी का भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा हिंदी का, या आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।